नमस्कार, आज मैं बना रही हूँ सूजी रवा की इडली। ये भी उतनी ही सॉफ्ट बनती है और इंस्टेंट बनती है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। यहाँ पे मैं सूजी 1.5 कप ले रही हूँ, मोटा वाला सूजी। और इसमें हम दही डालेंगे 1 कप, पूरा मैं नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा कम है 1 कप से। और इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे और अच्छे से इसका एक बैटर बना लेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा अभी, तो इस तरह से दही, पानी और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए अलग से रखें इसको। अभी इतने समय में हमारा जो इडली का सांचा है, इसमें हम तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे। अभी 20 मिनट बाद सूजी को देखेंगे। सूजी अभी भी थोड़ा गाढ़ा है, तो इडली का जैसे घोल होना चाहिए ऐसे ही हमें बनाना है। तो इसमें मैं 1 चम्मच के करीब नमक डालूंगी और इसमें फिर से हम आधा कप पानी डालेंगे। और जैसे हमारा इडली घोल रहता है उतना ही गाढ़ा हमें रखना है इस घोल को भी, तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी देखिए ये वाला घोल जो है अभी परफेक्ट है। तो इसमें मैंने पहले आधा कप और बाद में आधा कप मैं डाली हूँ, टोटल 1 कप मैंने पानी डाला है। और अभी इसमें हम इनो पाउडर डालेंगे। इनो 1 पैकेट में आपको 1 छोटी चम्मच जितना हो जाएगा। अगर आप इनो नहीं है तो आपके पास इनो नहीं है तो इसमें बेकिंग सोडा 1 बड़ा चम्मच डाल सकते हैं। तो इनो डालने के बाद हल्के हाथों से इसको मिक्स कर देना है। अभी हमारा जो इडली स्टैंड है इसमें हम जो बैटर है इसको भरेंगे। बहुत ज़्यादा फूल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा कम रहना चाहिए क्योंकि ये पकने के बाद और थोड़ा बड़ा हो जाता है। अभी हम स्टैंड सेट कर लेंगे। अभी इडली स्टैंड को सेट करने के बाद यहाँ पे मैं इडली स्टैंड के अंदर पानी डाल के मैंने गर्म करने के लिए रख दी थी और ये बॉयल हो चुका है। एक बार उबाल आने के बाद ही इडली को पकाएं। तो इसको हम हाई फ्लेम में 5 मिनट तक पकाएंगे और लो फ्लेम में फिर 5 मिनट तक पकाएंगे। तो एक बार 5 मिनट हाई फ्लेम में और 5 मिनट लो फ्लेम में, और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दीजिए लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद ही खोलें, गरम गरम ना खोलें क्योंकि गरम खोलेंगे तो हाथ जलने का चांसेस है। तो मैं ठंडा करने के बाद खोल के चेक कर रही हूँ कि हमारा इडली जो है एकदम सॉफ्ट बनी है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट बना है, आपको पता भी नहीं चलेगा ये सूजी का है या उड़द का दाल का है। ज़रूर एक बार ट्राई करिए ये वाला इडली और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।